हेलो एवरीवन, आज का हमारी कविता है कठपुतली। कठपुतली गुस्से में उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। यहाँ पर कठपुतली को मानवीयकरण किया गया है और कठपुतली कह रही है, गुस्से में कह रही है कि मुझे धागों से क्यों बांध रखा है, ये धागों के बंधन मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर चलने की शक्ति दो। कठपुतली कह रही है कि मैं किसी और के द्वारा चलाई जाती हूँ, और वह कहती है कि मैं स्वतंत्रता चाहती हूँ और ये धागे मेरे आगे पीछे से तोड़ दो तो मैं अपने पांवों पर खड़ी हो जाऊँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। उसकी यह बात सुनकर के दूसरी कठपुतलियाँ भी यही कहती हैं कि हाँ, हम भी बहुत दिन से स्वतंत्र नहीं हुई हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मन में जगी। लेकिन एक कठपुतली ये सोचती है कि किस प्रकार से यह इच्छा हमारे मन में आ गई है कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्र होने से जिम्मेदारी आती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन वह कहती है कि स्वतंत्र होने से जिम्मेदारी आती है और सोच समझकर यह कदम उठाना ज़रूरी समझती है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके सामने आज़ादी को साकार करने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां दूसरों के अधीन हैं और इन्हें किसी और के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है और वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, और कठपुतलियाँ भी यही कहती हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहती हैं। लेकिन एक कठपुतली उनमें से ये कहती है कि यदि स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, यानी कि स्वतंत्र होना इतना आसान नहीं है। स्वतंत्र होने से पहले सोच समझ कर कदम उठाना ज़रूरी है। प्रश्न आ जाता है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इस बात पर आया कि वह चारों तरफ से धागों से बंधी हुई है। प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? वह इसलिए खड़ी नहीं होती है क्योंकि अपने पांवों पर खड़े होने में एक सोच समझ कर कदम उठाना जरूरी है, और अगर स्वतंत्र हो गए तो जिम्मेदारी की भावना आ जाएगी, इसलिए वह खड़ी नहीं होती है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी इसलिए लगी क्योंकि वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी। प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उसे जिम्मेदारी महसूस होने लगी कि स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम जिम्मेदारी में आ जाएंगे, इसलिए फिर उसने विचार बताया कि उसे चिंता होने लगी कि ये कैसी इच्छा है जो मेरे मन में आई है, इसलिए वह स्वतंत्र होना नहीं चाहती है क्योंकि अब उसमें जिम्मेदारी की भावना आ जाएगी और उसे खुद के पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, जो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, इसलिए वह धागों में ही बंधे रहना चाहती है। कविता को लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, और
कठपुतली के द्वारा विचारों को व्यक्त किया गया है और कठपुतली का मानवीकरण इस कविता में किया गया है। यह कविता मानवों पर भी सटीक रूप से लागू होती है।